गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल. आई एम योर शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ. तो अभी हम जा रहे हैं सीधा मॉल. वहाँ पे मुझे सबसे पहले विवेक की एक शर्ट चेंज करानी है और एक जो टॉप मैं सेम ले आई थी वो ना काजल को आया ना मुझे. तो मुझे था कि हम ट्विनिंग करेंगे पर अब ट्विनिंग भी नहीं कर पा रहे हैं तो हमें चेंज कराना पड़ेगा. और जैसे कि मुझे साहिल को 13 प्रो मैक्स की जो बुकिंग है वो भी करानी है ताकि देखते साहिल ने जहाँ कराई है वहाँ से पहले आता है या जहाँ से मैं कराऊँगी वहाँ से पहले आता है. तो मैंने यहीं से अपना 13 प्रो मैक्स की बुकिंग कराई थी पर मिला नहीं था. तो लेकिन 14 प्रो मैक्स के लिए भैया ने बोला है कि मिल जाएगा. मैम आप कराओ तो सही. तो मैं लेके भगवान जी का नाम आज कराऊँगी बुकिंग साहिल के लिए ताकि इनका फ़ोन जैसे ही आए इनको मिले. और बाकी के जो जो भी आज प्लान्स होंगे वो आपको बताती रहूँगी. और काजल की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी इसलिए उसने हम लोगों को ज्वाइन नहीं किया. नहीं तो शॉपिंग पे जाएं और वो ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता. बट अभी थोड़ी सी वो ऐसी उसकी तबीयत ढीली चल रही है. एक दिन सही रहती है एक दिन तबीयत ख़राब हो जाती है. और सबसे पहले मुझे लगी है भूख. और आपने नोटिस किया होगा साहिल इतने दिन से ब्लैक आउटफिट ही डाले जा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सेम पहन रहे हैं, अलग अलग पहन रहे हैं लेकिन ब्लैक ही पहन रहे हैं. और मैंने भी आज ब्लैक पहना है क्योंकि मेरा मन है ब्लैक पहनने का. अभी सर्दी आने वाली तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जितनी ब्लैक ड्रेसेस हैं मैं फटाफट पहन लूँ. चलो अच्छी बात है गाइस. वैसे विंटर्स में ही पहनते हैं ब्लैक कलर ज्यादा. समर्स में तो और गर्मी लगती है ब्लैक. ये शॉर्ट्स वाले हैं ना आपके लॉजिक. तो चलते हैं. और साहिल को और कोई शॉपिंग तो मैं कराऊंगी नहीं ना खुद करूंगी क्योंकि शॉपिंग हमारी बैन हो चुकी है. हमें शॉपिंग बिल्कुल नहीं करनी है तभी 14 प्रो मैक्स आएगा. आपको पता है आईफोन लेने के लिए लोगों को अपनी मुझे भी अपनी किडनी बेचनी पड़ सकती है. तो मुझे इसलिए शॉपिंग नहीं करनी है. मैं इतनी सेविंग करूंगी कि मेरा 14 प्रो मैक्स ईजिली आ जाए. ठीक है तो आज नो शॉपिंग. अभी दो फोन आएंगे मतलब आज नो शॉपिंग चैलेंज. अभी दो फोन आएंगे मतलब दो किडनी चाहिए. एक कुछ नहीं चाहिए यार, एक ही फोन आएगा. मुझे फोन नहीं चाहिए. पर अभी चलते हैं और फिर देखते हैं वहाँ पे फोन की क्या डिटेल मिलती है. काजल का कड़ा दिया था वो मैंने ले लिया है. उसको पूरा सील पैक कर दिया है उन्होंने तो अभी वो खुलेगा नहीं. और अब सीधा चलते हैं 14 प्रो मैक्स देखने. क्या पता वो दिखाएंगे तो है ही हमें कि कैसा आएगा या कैसा है उसकी कोई लुक वुक तो पता चले क्योंकि मैंने तो पिक्चर्स में ही देखा है. वो अंदर बैठ कर बात करती हूँ. सो गाइज मेरे एक मैंने देखा कि यहाँ पे इस साइड मेरे चीक्स पे ज़्यादा ब्लशर हो गया था तो मैंने हटा दिया उसको. बाकी मैंने वहाँ से एक छोटी सी क्यूट सी पानी की बॉटल्स ले लिया है क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगी यार. मैं यही बोल रही थी तो मुझे देखना है यार 14 प्रो मैक्स आएगा कैसा. क्योंकि अगर 13 प्रो जैसा ही हुआ जैसा मेरा 13 प्रो मैक्स है इसके जैसा ही हुआ तो क्या ही बेनिफिट है. पर अगर फीचर्स में कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस बता दिए फिर तो मतलब थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई पैसे वेस्ट करने का बेनिफिट हो रहा है. मैंने सुना कि और उसमें 6 कैमरे आएंगे. छी मेरे को तो इन 3 कैमरे से एंजाइटी होती है. मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती. मैं तो ये सोच रही थी इस बार इन्होंने ऐसे 3 दिए हैं तो मुझे लग रहा है 14 प्रो मैक्स में ऐसे 4 दे देंगे. लेकिन जो वहाँ पे वीडियोस आ रही थी उसमें ये था कि पीछे ही एक स्क्रीन दे दी है बैक साइड कैमरे की बराबर में जहाँ से आप अपना फ़ोन ऐसे पूरा ऑपरेट कर सकते हो. मुझे मतलब नहीं समझ आया हम सीधा फ़ोन तब चला ही रहे तो उतनी सी कैमरे की साइड वाली स्क्रीन से क्यों फ़ोन को चलाएं. कोई सोचने वाली बात है. कुछ नहीं मिला आईफोन वालों को तो उन्होंने सोचा कुछ तो चेंज करना है तो यही कर देते हैं. अब देखना है कि वो र्यूमर्स हैं या फिर वैसा ही आएगा. तो मैं थोड़ा जाके मेन आज इस पे फोकस करूंगी कि भाई दिखा हमें फर्स्ट लुक. तो देखते हैं. सुना आपको पता है अभी मैं ऐसे पॉकेट से फोन निकाल रहा था ना तो 500 का नोट यहाँ चला गया. अगर आप उसको निकाल लोगे वो आपका. मैं निकालना तो चाहती हूँ लेकिन वो आप भी निकालोगे तब भी मेरा. ये क्या बात हुई. चलो ठीक है तो आप कह रहे हो वो मेरा है तो फिर मेरा. दिख रहा है क्या वैसे. दिख भी तो नहीं रहा. मैं यही देखना चाह रहा था कि आप देख भी आओगे नहीं आओगे. यार लक्ष्मी है उसको ऐसे थोड़ी गिराएंगे. उठाओ. हाँ उसकी रिसीट के नीचे चला गया वो. अभी जैसे तुरंत ना फिर निकाल.
तो दिखे 500 का नोट। चलो चलो गाड़ी। क्या हो गया था? दिखाओ, मैं रखती हूँ संभाल के गाइस, इसको ये खोना जाए तुम्हारा। ये क्या म्यूजिक चला रखा है देखना, क्या म्यूजिक है, क्या म्यूजिक, अच्छा तो लग रहा है, क्या म्यूजिक है, ऐसे ऐसे काजल को आना चाहिए ना। हाँ, काजल अगर होती तो खुश हो जाती। क्या इसका ना सेम है, सेम कुछ डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस फिर लेने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ लेंसेज में डिफरेंस है उसके। अच्छा। कैमरे में। हाँ। और कुछ कुछ फीचर्स में फीचर्स वो जो आपने 13 प्रो मैक्स के भी कभी यूज नहीं किए यार। फिर क्या फायदा साहिल, और कितने का आएगा बताया नहीं, प्राइस का कुछ नहीं, पर बुकिंग के लिए आया हूं, बुकिंग कर देते कर दो बट ना स्क्रीन कह रहे हो आप, यहां पे स्क्रीन है यार, ऐसे उसमें वीडियो तो बेसिकली वो पूरा बनाओ ऐसे। हेलो, थैंक यू। चलो ये आपका आईफोन 14 नीचे आ रहा हूं, बस एक मिनट भैया। तो गाइस फाइनली हमने विवेक के लिए एक न्यू शर्ट ली, वो उसी को दे दी। आपने विवेक का व्लॉग किया था, वो मिला था हमें। नहीं यार, इतनी भीड़ थी ना, एक तो व्लॉग नहीं ऑन कर पाया हमें विवेक भी ज़ारा में मिला। हाँ, लाइन बहुत लंबी थी, क्योंकि जो दो चीज हमें, जो दो चीजें हमें वापस करानी थी, नहीं, लिए दो चीज चाहिए थी। बहुत लंबी लाइन थी गाइज। और आप लोगों ने देख ली फर्स्ट लुक आईफोन 14 प्रो मैक्स की? मैंने तो देख ली, सेम 13 प्रो मैक्स जैसा ही बता रहे हैं। अगर सेम आया ना, मेरा दिल टूट जाएगा। बट उन्होंने सेम ही बोला है, तो उन्होंने बोला मैम इसे देख लो, उसे देख लो। फिर मैंने कहा ये क्या बात हुई, ऐसे थोड़ी बंदा कर लेगा। पर उन्होंने हमारा नेम नंबर सब कुछ ले लिया है। साहिल ने बोला कि जैसी फर्स्ट डे वो लॉन्च होगा आप हमें कॉल कर देना, पहला फोन हमें ही देना। तो फिर ऐसे उन्होंने बड़ा फर्स्ट फोन उस स्टोर से हमें ही मिलेगा ऐसा बोला है उन्होंने, ऐसे बोला है उन्होंने। तो कोई बात नहीं गाइज, हम तो काफी पॉजिटिव हैं सोच कर कि कुछ डिफरेंट दे दो यार 14 प्रो मैक्स को लेके, बंदा ये बता पाए कि हाँ इसके पास 13 है तो इसके पास 14 है। बस कुछ कुछ अलग दे दो यार आईफोन वालों। वैसे वो लोग कुछ डिस्क्लोज नहीं करते हैं जब तक फोन नहीं आता है, तो ऊपर उन्होंने यही बोला मैम ये रखा आईफोन 13 प्रो मैक्स ऐसा ही आएगा। तो खुश हो ना फर्स्ट लुक से? हाँ? आप लोग भी हैप्पी हो गाइस। बाकी किसी को ज्यादा नॉलेज हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और हमने सोचा था ज़ारा से हम कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ एक्सचेंज कराएंगे, तो उसके चक्कर में 3-4 चीजों का फटका लग गया है। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे लास्ट और इसमें से मेरी एक भी चीज नहीं है गाइस। आपने ली नहीं है as I promise। ब्लैक शर्ट किसकी है? वो तो आपने मेरे को जबरदस्त, आज भी ब्लैक कलर लेकर आए हैं। ब्लैक कलर के शर्ट इनके पास इतनी सारी हैं, इतनी सारी, बट इनको ब्लैक ही चाहिए थी। चलो कोई नहीं, अब घर चलते हैं, घर जाकर आपको मिलती हूँ और बाकी की बातें वहीं करते हैं। सोना लोगों का खाना आ गया, दाल चावल। आज हम बहुत लेट हो गए थे, अब से ज्यादा लेट तो खाना नहीं बना पाए हैं। अभी हमने सिंपल दाल और राइस मंगाए हैं, और ये मुझे इसलिए नहीं दिखा पा रहे क्योंकि मैंने जस्ट अभी चेंज किया है और मैं और इनकी तबीयत भी ज्यादा खराब हो गई है, हेडेक ज्यादा। तबीयत तो नहीं, बस हेडेक हो गया, पता नहीं कैसे हो। नजर लग जाती है आपको? आज नजर उतारो साहिल, ठीक है? ठीक है, चलो अभी मैं और काजल करेंगे डिनर, और मैं भी करूंगा डिनर, और उसके बाद मिलते हैं आप सबको। सो गाइस, जितने भी लोग पूछ रहे थे कि कैंडी क्रश कौन खेल रहा है, किस लेवल पे खेल रहा है, तो ये काजल रानी है जो सुबह भी खेल रही थी और अभी भी खेल रही है। बता दे कौन से लेवल पे है। 35,000 सही बता,
दिखा भी दे इन्हें। आज सुबह तो टैब में खेल रही थी गाइस, अभी फोन में खेल रही है, पागल ही हो चुकी है। चार्जिंग पे लगा, घर की कोई डिवाइस नहीं छोड़ी इसने, एक लैपटॉप बचा है। बहुत मजा आता है टैब में खेलने में, फोन में नहीं आता। मैंने साइनस रखा, थोड़ा टैप निकल गया टैब में गाइस। पता तुझे नहीं है काजल, साइनस सारी आधी से ज्यादा दुनिया को हो गया। पता है क्यों? आजकल जो ये वेदर चेंज हो रहा है ना, इसमें सबसे ज्यादा गला खराब और कोल्ड और यही सब प्रॉब्लम हो रही है सबको, क्योंकि मेरा भी गला दर्द हो रहा है। तो पीछे मत रहियो यार, अब जो है वो है, झूठ क्या बोलूं, मैं तो अपनी मेडिसिन लेके आई हूँ, मैं वो आज पी लियो जो मैंने उस दिन पी थी ना, बिल्कुल सही हो गई थी। चलो गाइज, अभी मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, एक बार फेस वेस सब कुछ वॉश करके आती हूँ, और मेरा भी मन हो गया अब तो कैंडी क्रश खेलने का। फिर आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई थी। एक गाइज इन दोनों का नहीं समझ में आता, देख लो वो फो। अरे यार ये क्या डाला हुआ है इसने, क्या है ये? अरे भाई इतने अच्छे अच्छे टॉयज छोड़ के ये इससे खेल रहा है, प्लास्टिक से। और आपको इतनी जल्दी नींद आ रही है? चलो ठीक है मैं वो भी आपने डिनर किया, चलो सबको गुड नाइट बोल दो। कितनी जल्दी बात सुनता है गाइस ये तो बहुत अच्छी आदत है वूफी में। देखना साहिल को भी बोल रहा है मेरे साथ खेलो, है ना? नहीं अब रात को खेलना नहीं है वूफी, अब निन्नी करनी है। चलो वूफू, ओके बाय गाइस, गुड नाइट। वैसे अभी गुड नाइट नहीं हो रही है मेरी, मैं तो अभी जा रही हूँ काजल के साथ, हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं किसी चीज पे, फिर आते हो। लाइट्स ऑफ कर दो आपकी, बाय। सही, फटाफट ये दिखा दो कि हम क्या क्या लेकर आए थे, और फिर मुझे इन सबको बाय भी बोलना है। हाँ गाइस एक नया आया हुआ था, नहीं सही उसको मत दो प्लीज। एक मैं ये बैग लाई थी, और एक शाना लेके आई टॉप, यस वेरी गुड। एक लेके आई ये जीन्स, वेरी गुड गाइस, ये तो प्लेन बेसिक जीन्स है, या इसको भी चाहिए। ये किसी की शर्ट, ये साहिल की शर्ट है ब्लैक। और एक लिखे हैं हम ये वाले जंपसूट। अच्छा ये साहिल की पसंद है गाइस, ये वाला जंपसूट मेरी नहीं, कूल है। पता नहीं इनको ऐसे प्लेन प्लेन कपड़े पसंद आते हैं। और एक लिखे हैं ये वाले ड्रेस, ये मेरी पसंद है। एक ये ब्लैक ड्रेस है, ये फ्रॉक है, और विवेक की शर्ट हमने उसको दे दी थी। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।